मैं इस वक्त चिंक्वे टेरे के एक ब्यूटीफुल टाउन रियो मजोरे में घूम रहा हूँ। काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं, आप देख सकते हो। मैं अकेले आया हूँ यहाँ पे घूमने। अकेले घूमने को इंग्लिश में सोलो बोलते हैं, आपको पता ही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे ट्रैवल ब्लॉगर हैं, अपने आप को सोलो कहते हैं, जबकि घूमते पूरे दलबल के साथ हैं। एक आदमी उनके चलने की शूटिंग कर रहा होता है, एक उनकी फ़ोटो खींच रहा होता है, एक उनके वीडियो बना रहा होता है, एक उनकी फ़ोटो ले रहा होता है, एक उनका ड्रोन उड़ा रहा होता है, एक उनके ट्रिप पे वीडियो एडिट करता रहता है। तो पूरा एक क्रू लेके घूमते हैं और कहते हैं खुद को सोलो ट्रैवल एंथुजियास्ट या सोलो ट्रैवल फिल्म मेकर। अबे कोई सोलो नहीं हो, सोलो घूमने में फट जाती है सही में। मैं पूरे दिन सुबह से रात तक अकेले घूमता रहता हूँ। ये एक सेल्फी स्टिक लिया, कोई मेरी शूटिंग करने वाला नहीं है, तो सोलो घूमने में बड़ी दिक्कत होती है। खुद की एक क्लिप बनाना भी मुश्किल हो जाता है, कोई सपोर्ट नहीं होता ना किसी का। और इनको देखो, साफ समझ में आता है वहाँ कैमरा लगा हुआ है और मैडम चल के आ रही हैं, वो कोई सोलो वोलो नहीं है, पागल बना रहे हैं। सोलो घूमना कोई आसान नहीं है और सोलो घूमना कोई फैशनेबल भी नहीं है। ऐसे मतलब मैं देख रहा हूँ कि इतना ग्लोरीफाई और फैशनफाई कर दिया इस वर्ड को, सोलो को। अरे ठीक है भाई, तुम्हारे साथ कोई नहीं था घूमने के लिए किसी भी वजह से, या तुम बढ़िया फील कर रहे थे, तुम्हें लगा कि घुमाते हैं और किसी का साथ नहीं बैठा, ठीक है, कोई साथ नहीं आ पाया तो तुम अकेले आ गए। अब इस चीज़ पे इतना ऐसे क्यों जोर दे के दिखा रहे हो, जैसे तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, सोलो हो गए तुम तो। ठीक है, सोलो अच्छी बात है, घूमो, मैं भी सोलो ही घूम रहा हूँ, लेकिन मैं इस पे जोर नहीं दे रहा इस वर्ड पे कि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। सोलो ट्रैवल करने से ज़्यादा अच्छा है कि दो लोग ट्रैवल करें या दो से भी ज़्यादा ट्रैवल करें, दो वैसे आइडियल है। अकेले घूमने में बड़ी दिक्कत होती है, सामान रखाने के लिए ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कोई फ़ोटो लेने वाला नहीं होता, होटल रूम में बहुत सारे काम होते हैं, अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो उनका उचित बंटवारा हो जाता है, फ़ोटो भी बढ़िया आती हैं, बात करने के लिए कोई होता है, मन लगा रहता है। वैसे तो मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई साथ हो तो कोई फीलिंग शेयर करने वाला हो तो अच्छा लगता है, तो मतलब सोलो के मुकाबले ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा मानना है कि सबसे अच्छा है कि दो लोग घूमें जिनकी बॉन्डिंग अच्छी हो। अगर किसी ऐसे के साथ घूम रहे हो जिससे तुम्हारा टॉक्सिक रिलेशन है तो बिल्कुल ही बेकार है, उससे तो आप फार बेटर है कि अकेले ही घूमो। लेकिन आइडियल घूमने का तरीका है कि आप दो लोग घूम रहे हो और आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, इसमें मज़ा है। ये कोई ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है सोलो वर्ड को, अच्छी बात है तुम सोलो घूमो, लेकिन ढिंढोरा मत पीटो भाई इस चीज़ का। और ऐसा झूठ तो बोलो ही मत कि घूम रहे हो पूरा क्रू को लेके और दिखा रहे हो ये कि हम सोलो घूम रहे हैं।